अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर रहते हो। वेलकम है आप लोगों का शाकिरा परवीन 321 चैनल में। तो आज मैं बच्चे का बर्थडे है, ईद के दिन मैं क्या ब्लॉग बना सकी नहीं, तो ज्यादा काम रहा गोश्त को, है ना, कुर्बानी गोश्त आया तो उसे है ना कबाब बना लेना, बिरयानी पका लेना, बच्चों के हरा उड़ी तैयार होना, सब भी ज्यादा बना सकी नहीं, थोड़ा ब्लॉग डाली मैं। तो आज मैं आप लोग के साथ पूरा शेयर करती हूँ। आज मेरी बच्ची का बर्थडे है, तो ईद परसों ही है, आज बर्थडे जुलाई 1st है। तो मैं आज क्या बनाती हूँ आप लोग के साथ, आज का ब्लॉग आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। चलिए अब मैं क्या बनाती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखिए मैं मटन है, अबे देखिए ये कुर्बानी का मटन है, इसमें है ना हटिया वो सोपी निकाल को बाजू को रख ले को मैं गोश्त है ना कबाब डाल ली में। अबे ये मटन से मैं है ना, अबे तो दिखता है मटन में गला ले को रख ली, मुझे मसाले पूरे नहीं आट कर को रख ली। मैं ईद का मटन ही है, तो मैं ये मटन है ना निकाल को कबाब बनाई, वो भी आप लोग के साथ शेयर करती मैं। तो ये अभी ये है ना दही डाले को इसके साथ मसाले मिला को 2 घंटे पहले रख ली मैं। अब ये गलाने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट अब बिरयानी बनाती, मटन बिरयानी। तो देखिए किस तरह से बनाती हूँ, इसमें पड़ने वाले पूरे आप लोग के साथ मैं पहले भी शेयर कर को है ये रेसिपी। तो ये गला हुआ मटन के साथ मैं आप लोग को शेयर करती हूँ। सो तो देखिए पुदीना कोती मेरे टमाटर ये है नी खरे मसाले और हरे मिर्चा प्याज के बड़े दो डल्याली में। तो आज हमारी बिरयानी घी से बनती है और तेल भी लगेगा। धनिया पाउडर गरम मसाला काजू मैं भिगा ले को डालती हूँ, यूज़ करती हूँ। तो आज ये हरिया रंग है, येल्लो रंग है और ऑरेंज रंग है, 3 रंग का यूज़ करती हूँ मैं। तो चलिए बनाते हैं अब हमारी गला हुआ मटन की बिरयानी। ये खड़े मसाले डाला ली मैं, इसके बाद है ना मैं ये प्याज डाली मैं। तो घी दाल को आधा घी इसमें डाली मैं, देखिए आधा घी मैं ऐड करी मैं इसमें, तेल भी डाली मैं। तो इसे डालने के बाद ये अच्छी तरह से लाल होने के बाद अदरक लहसुन मसाला भी इसमें ऐड करती हूँ। ऑलरेडी मैं गोश्त में अदरक लहसुन मसाला उसे पकड़ने को तवा मिला को ऑलरेडी रखो है, नमक है, मिर्ची, हल्दी ये सभी ऐड कर को है। इसे फिर इसमें पकड़ने को तवा इसके हिसाब के बराबर मैं रेडी करती हूँ। तो यही थे परसों हुई, आज हमारी बच्ची का बड़ी बच्ची का सालगिरह, तो आज मैं ये बचा हुआ सब गोश्त का है ना मटन बिरयानी पकाती हूँ। तो ऑलरेडी बहुत बार बनाई मटन बिरयानी, पका हुआ गोश्त के बनाने का तरीका ये मैं इसमें कि मैं हलन डालती मैं अलग चावल पकाती हूँ, तो ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना समझ कर शेयर करती हूँ। तो मैं ये बर्थडे व्लॉग भी आप लोग को दिखाऊँगी। तो देखिए ये कोपे से मैंने पूरे 2.5 कोपे डाली मैं, ये कोपे के हिसाब से डाली मैं, मेरा कोपा ये मैं पकाने का बिरयानी पका रहा हूँ, ये चावल का करीब बात मेरा बनाने का, ये कप सेट मैं पकाने का बिरयानी पकाओ या तो चावल रोज वाली पकाओ। तो 2.5 कप डाली मैं, 1 कप से मैं ये सादा 120 रुपये वाले चावल है, मामूल चावल है। तो देखिए अभी इसे धो कर रखती मैं, देखिए अभी ये लाल, ये ज्यादा लाल नहीं मामूल मीडियम है, या तो अदरक लहसुन भी इसमें ऐड करने का है तलने का है इसलिए। तो देखिए इस तरह से डालती मैं थोड़ा डालती मैं, ऑलरेडी मैं हमारे मसाले में पंजा को है रेडी कर ले को है मटन में ऑलरेडी में। तो अभी इसमें खाली ज़रा डालना बल के डालती हूँ, मटन भी ऑलमोस्ट गल गया हमारा, ये मसाले में पकाना होता था हमारा काम है, इसका कच्चा पानी गए तक के अच्छा भून लेना, इसके टेस्ट भी अच्छा रहता। देखिए आप लोग भी ट्राई करना ज़रूर है। तो अब मैं हरी मिर्चा टमाटे इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं बिरयानी बनाने का एक तरीका नहीं, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है, तो ये जैसा भी बनाओ आप लोग है इसके मेजरमेंट के हिसाब से, तो ये 1st क्लास बनता है।
तो देखिए मेरी बच्ची ने जो बादाम फालू ला को दिया, पीती हूँ। मेरी छोटी लड़की कॉलेज से आते आते, मेरी छोटी लड़की बादाम फालू ला को दिए आते आते कॉलेज से, तो अभी ये पियो बोलते हैं। तो बर्थडे बेबी के हफ्ते लाई हूँ, आधा पिए भी ज़्यादा देते हैं। देखिए कोथिमीर पुदीना ये भी इसमें ऐड करती हूँ। तो ये जरा सा मैं लास्ट में ऊपर डालने के वास्ते थोड़ा रख लेती मैं। अच्छी तरह से ये भून लेने के बाद इसमें ऐड करती हूँ अपनी बस। गला को रखो है पहले से थे मटर है, तो काजू भी इसमें ऐड करती हूँ। सही दाल को है तो थोड़ा और डालती हूँ, हाफ डालती मैं। कैसी बना लूँ उसे चावल के हिसाब से फिर आगे पड़ेगा नमक है। करती हूँ मैं खाली, ये पकने का से मसाले पूरे ऐड होने ही से। फिर पकने के बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो ऑलमोस्ट ये अच्छा मसाला मिक्स हो गया। तो अब इसमें मैं पानी डालती मैं चावल ली में, तो ये कप से मैं पानी डाली मैं, तो ये आधी कप ली मैं इसे पानी में, चार कप डाली मैं। दही का पानी रहा मसाले का, तो इसमें ऐड कर डालती हूँ मैं। अब इसके बराबर नमक डालना हमें, देखिए टेस्ट के हिसाब से डाल लेना नमक है। मेरे हिसाब से मैं डाली मैं ये धनिया पोड़ी गरम मसाला, ऊपर से डालती हूँ। 1 स्पून ली मैं धनिया पोड़ी, हाफ स्पून है ना ये गरम मसाला ली मैं। तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके इसे ढक देना। मैं अब ये चावल निथार को यह धनिया वास्ता डालूंगी। तो हतन आ गया, अब मैं चावल डालूंगी इसमें। भिगने रखी प्याज भी गई नहीं मैं चावल को, सिर्फ आधा घंटा। इस तरह से ये नीचे ऊपर करके अभी से मैं दम को छोड़ डालती मैं। तो एक बार नमक है उसका मिर्ची देख ले को मसाला बराबर है नहीं खटास से। अभी नींबू डालती नहीं, ऑलरेडी इसमें फर्को है। बिल्कुल रेडी है। तो मसाले बिरयानी पकी नहीं, तो मसाले पूरे रेडी हो गए तैयार है। हमें दम को दिया तो बस ये थोड़ी देर 10 मिनट है ना मैं इस फुल सेक में पकाऊंगी। उसके बाद में है ना ये कलर से, ये ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर और ऊपर से घी डालूंगी थोड़ा कोथिमीर। तो देखिए मैं तवा रखो भी है ना इसके ऊपर ये रखती हूँ वजन है, तो ये दम होने छोड़ती हूँ मैं। तो इसके ऊपर मैं वजन रखूंगी, उसके बाद आप लोग को मैं ऊपर से है नी डेकोरेशन दिखाऊंगी। बिरयानी हमारी रेडी हो गई, अब एक केक लाने जाते हैं मैं और मेरे शोहर है शॉप को, तो आप लोग को ले चलूँगी। चलिए तो ये शॉप में जब केक लेते हैं सो हमें हमारे घर के पास ही चाहिए, पास शॉप है उसमें सेलेक्ट कर ले को निकाल को कूल केक है लेते हैं, चॉकलेट कूल केक है। तो देखिए इस तरह से लग रहा है।
देखिए हमारे थ्री कलर्स की मटन बिरयानी तो किस तरह से है आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग को इसका टेस्ट भी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप देखिए इतना मज़ा है, आप लोग एक बार ज़रूर बनाना, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। तो आप लोग के साथ शेयर करी मैं, आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।